देश में मची अफरा तफरी से त्रस्त जनता की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए वैदिक विद्वान और समाज सेवी पंडित राजकुमार सांडिल्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत देश की प्रगति कैसे हो, टैक्स प्रणाली को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, देश के नागरिकों के मूलभूत हक के प्रति जागरूक करवाने का प्रयास श्री राजकुमार शर्मा ने अपनी विचारधारा के जरिए मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता करे, यही संविधान में सुधारना आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कुछ कहा। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और मैं मुंबई से हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, मैंने आप लोगों को बुलाया है, वो टैक्सेशन स्ट्रक्चर को लेके बुलाया है। हमारे जो सिस्टम है उसमें जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने बना रखा है उसको ठीक करने के लिए और एक अच्छा टैक्स स्ट्रक्चर बताने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। तो अब जो प्रत्यक्ष समय में जो टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है हमारी सरकार का, सरकार व्यवसाय पर टैक्स ले रही है जीएसटी के नाम से, किसी भी तरह का व्यवसाय कर रही है पब्लिक उस पर टैक्स ले रही है, और व्यवसाय से जो अर्जित आय है उस पर भी इनकम टैक्स ले रही है। सरकार अनेक प्रकार की छूट दे रही है क्योंकि राजनेताओं को अपने वोट बैंक के लिए छूट देनी पड़ रही है। तो मेरा ये कहना है कि बिना छूट का अगर सिंगल टैक्स सिस्टम और सिंगल अकाउंट सिस्टम अगर सरकार फॉलो करे तो किसी भी नागरिक को तकलीफ किसी भी प्रकार की नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर नागरिक भरेगा और एकदम न्यूनतम टैक्स की मात्रा आएगी। अभी फिलहाल 1.5% कुल 125 करोड़ में केवल 1.5% लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं। अगर सरकार एक ही टैक्स लगाए, व्यवसाय कुछ भी करो तुम, व्यवसाय से अर्जित होने वाली आय पर सरकार टैक्स ले, व्यवसाय को बिल्कुल फ्री करे, और जब तक सरकार व्यवसाय को फ्री नहीं करेगी तब तक फ्रीली व्यवसाय नहीं होगा, और जब खुला व्यवसाय होगा फ्री तो व्यवसाय अधिक मात्रा में होगा, अधिक मात्रा में आय जनरेट होगी, बैंकिंग सेक्टर बूम अप हो जाएंगे। अब 1% खाली 1% अगर सरकार टैक्स लेती है हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो सरकार के पास प्रचुर मात्रा में धन आ जाता है। सरकार को कितना चाहिए? सरकार का 22 लाख करोड़ का बजट है। अगर इस तरीके से आप देखें कम से कम 60-70% भी लोग अगर भरना शुरू कर देंगे बिना छूट वाला, छूट एक रुपए की भी ना हो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। स्वयं मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जब पैसे पेड़ पे नहीं उगते तो सरकार छूट क्यों दे रही है अपने वोट बैंक के चक्कर में? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक जो चल रहा है हमारे देश में ये हटना चाहिए थोड़ा। पब्लिक को फ्री चाहिए, पब्लिक इंडिपेंडेंस हो चुकी है। इंडिपेंडेंसी है कहां हमारे यहां? इंडिपेंडेंसी है ही नहीं। इंडिपेंडेंसी इसलिए मैं नहीं मानता नहीं है क्योंकि हमारा राजा चुनने का अधिकार तक सरकार ने अभी तक हमें नहीं दिया। वी आर नॉट वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट। डेमोक्रेसी का जो नियम है, जो सूत्र है डेमोक्रेसी का, वो यही है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक एंड फ्रॉम द पब्लिक। और अभी जो चल रहा है हमारे राजा को चुनने का सूत्र, वो कौन सा चल रहा है? बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा और वजीर जब दो पोस्ट का, दो सर्वोच्च पोस्ट का प्रोविधान हमारे भारत में है तो ऐसा ही होना चाहिए कि इन दोनों पोस्ट के लिए हम लोग जो आम नागरिक हैं वो आगे बढ़े। प्रेसिडेंट हमारे देश में चुना जाना चाहिए जस्ट लाइक अमेरिका, और जो प्रधानमंत्री, जो वजीर आजम है वो जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव से आते हैं ऊपर, उसी तरीके से आने चाहिए। अब आपका भी अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो बोलिए। देखिए सर, मल्टी टैक्स सिस्टम जो है वो अनअकाउंटेड मनी को ग्रो करता है। अब अनअकाउंटेड मनी चाहिए राजनेताओं को अपने रोड शो, रैलीज और हैवी मीडिया पैकेजेस और इन सब के लिए अनअकाउंटेड मनी की जरूरत पड़ती है। अब ये अनअकाउंटेड मनी पैदा करने के लिए इन्होंने मल्टी टैक्स सिस्टम ठोक रखा है लोगों के सरों के ऊपर। अनेक प्रकार के टैक्स सरकार नागरिक भर रहा है। जब अनेक प्रकार के टैक्स नहीं भरेगा नागरिक, केवल एक सिंगल टैक्स होगा व्यवसाय से अर्जित होने वाली आय पर। केवल कमाता तो हर इंसान है, हमारे भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं, 125 करोड़ में से खाली 15-20 लाख लोग तो नहीं कमा रहे हैं ना, कमा तो पूरा हिंदुस्तान रहा है। जब हिंदुस्तान पूरा कमा रहा है तो पूरा हिंदुस्तान जब टैक्स देगा तो सरकार के पास कितना पैसा आ जाएगा? पैसे के लिए ही सरकार कर रही है ना, नोटबंदी की पैसे के लिए की, जीएसटी लाई पैसे के लिए लाई सरकार ने। 70 सालों में जब से भारत आजाद हुआ है तब से आज तक जो किया है पैसे के लिए किया है ना।
जब पैसों के लिए ही पैसों की लड़ाई है, तो एक तरीका, ये तरीका है, ये एक सोच है, एक सोच है जो बदलेगी हिंदुस्तान को, बाकी और हिंदुस्तान को बदलने का और मेरे हिसाब से कोई दूर दूर तक मार्ग है भी नहीं, चाहे सोच लें आप। जब सब लोग भरेंगे, जो सरकार का बजट है वो या तो ये 1.5% लोग ही दे रहे हैं, अब 1.5% लोग को छोड़ के जब 100% लोग भरना शुरू कर देंगे, 70-80 सरकार अभी थोड़ी कड़क होगी, सबसे वसूलना शुरू करेगी, सरकार को समय लगेगा, ये बात मैं मानता हूं कि सरकार को समय लगेगा सबको टैक्स के दायरे में लाने के लिए, और समय अधिक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जब कम होगा टैक्स तो सब भरेंगे, 500 रुपए कमाने वाला मजदूर भी 5 रुपए टैक्स भाग के भरेगा और व्हाइट कॉलर अपने आप को बोलेगा कि भी मैं टैक्स पेयर हूं। तो सरकार एक ऐसा प्रणाली लगा के सबको टैक्स पेयर क्यों नहीं बनाती है सरकार? बट ऑल दे आर पेइंग बाय इनडायरेक्ट टैक्सेशन आल्सो, ऑल दिस पीपल इफ एंड इफ दे विल पे 5 रुपीस टैक्स, तो दे विल बी अ डिफरेंशिएट, अ रिच मैन हु इज अर्निंग लाइक अ 1 लाख रुपीस पर मंथ and 500 also paying a tax 5 rupees, there will be a rich man will be paying, jo hazaron mein kamayega wo rupiyon mein bharega, jo lakhon mein kamayega wo hazaron mein bharega, ye tax system is tarike se design hoga, ye design karna padega, jo karodon mein kamayega wo lakhon mein bharega, jo arbon mein kamayega wo karodon mein bharega, jo kharbon mein kamayega wo arbon mein bharega, ye ek system design hoga, 100 rupaye ka 1% 1 rupaya hota hai, 1000 rupaye ka percent 10 rupaya hota hai, ek सर एक बात ये भी तो ना सर, इतने साल सरकार कांग्रेस की थी, अब सरकार बीजेपी की आई है, अब शायद कुछ चेंज हो रहा है, बदलाव? कोई चेंज नहीं होगा, 70 सालों से आज तक चाहे कांग्रेस की आ जाए सरकार चाहे बीजेपी की आ जाए, राजनेताओं को पैसे चाहिए, नागरिकों को लूटना है, बाकी वो लूटते रहेंगे और सरकार ऐसे ही देश चलता रहेगा, 70 सालों से चलता आ रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार में बैठे जो आर्थिक व्यवस्था जिनके ऊपर जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं फेलियर लग रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से देखिए, जब तक मल्टी टैक्स सिस्टम, मल्टी अकाउंट सिस्टम का सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम को डिमोलिश करना पड़ेगा। आर्थिक व्यवस्था जिनके जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो क्या फेलियर लग रहे हैं आपको? फेलियर मुझे तो सभी फेलियर लग रहे हैं, जब तक सही तरीके का सिस्टम, सही तरीके का एक अच्छा डिजाइन अप नहीं होगा तब तक सारे फेलियर है। जिम्मेदार जीडीपी कितनी गिरी है? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार तो सरकार है क्योंकि नियम कानून सरकार निकालती है बार बार। सोल्यूशन क्या है आपके पास? सॉल्यूशन वही सिंगल टैक्स सिस्टम सॉल्यूशन है, सिंगल बैंक अकाउंट सॉल्यूशन है। पुराना मुद्दा है और इस पे चर्चा भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? चर्चाएं होने से नहीं, काम करने से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, चर्चाएं होने से रिजल्ट। बट हाउ विल यू बी गोइंग टू टेल द पीपल, आप लोगों को कैसे बोलेंगे कि हाँ ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, बिकॉज एवरीवन, रामदेव बाबा हो या हर कोई बाबा हो, बाबा रामदेव ने भी इसके लिए काफी लड़ाई की थी ब्लैक मनी के लिए, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ। देखिए ब्लैक मनी जनरेट कौन कर रहा है, जनरेट कहां से हो रही है, जनरेट पहले तो जनरेशन देखो ना, सोचो ना कि भी हाउ इट इज जनरेटेड, जनरेट किस लिए हो रही है, जनरेट राजनेता करवा रहे हैं ब्लैक मनी को, इनको एक्सपेंसेस इनके हैं, अनअकाउंटेड मनी किसको चाहिए, इनको चाहिए, रोड शो रैलीज और इन सब चीजों के लिए इनको चाहिए अनअकाउंटेड मनी, आम नागरिक को अनअकाउंटेड मनी नहीं चाहिए, हाई वैल्यू करेंसी किसको चाहिए, इनको चाहिए, कन्वीनियंट टू कैरी इजी टू स्टोर, ये फॉर्मूला किसको चाहिए, राजनेताओं को चाहिए न कि आम नागरिक को चाहिए। क्या करें, कदम क्या होगा आपका, कदम क्या होगा सर आपका? करेंसी शुड बी डिफिकल्ट टू कैरी एंड हार्ड टू स्टोर इन आवर कंट्री, तो सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स। आप लोग को अगर मेरे विचार पसंद है तो आप मुझसे जुड़िए और वन टैक्स सिस्टम और वन बैंक अकाउंट सिस्टम इसको अच्छे से बढ़ावा दीजिए ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो इस बोझ को लेकर न चले। मैं कामना करता हूं कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन दिन होंगे भारत के। जय हिंद, जय भारत।